हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम आइस कॉइन के बारे में, आइस नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और साथ ही साथ गाइस, हैमस्टर पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए, क्योंकि उसने तो वैसे हमारे मजे ले लिए हैं, ठीक है। तो उस पर जो भी आपको जानना है, प्राइस वगैरह जो भी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो के आई थिंक एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, और मेरे चैनल में भी रिसेंट वीडियो वही डाला था, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं मेन पॉइंट, जो हमारा आइस नेटवर्क है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, पिछले अगर एक दो वीक से अगर इसका हम सीन देखें, तो ग्राफ इसका अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। दो ही रीजन है गाइस कि कम्युनिटी में थोड़ा सा होप आ रहा है, इस वजह से बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है, और वो होप इस वजह से आ रहा है क्योंकि अपडेट ऐसी ही आ रही है। साथ ही साथ जो इसका ओपन मेनेट है गाइस, उसका टाइम भी आ चुका है, जैसे कि 7 अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है उसके पहले दूसरे वीक में ही हमें काफी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अल्टीमेट गाइस, यहाँ से हमें बढ़िया प्रॉफिट होगा। जैसा कि आपने मेरी जब भी लास्ट वीडियो देखी होगी आइस नेटवर्क पर, तो मैंने आपको कहा ही था कि यही एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैंने हमेशा से कॉन्फिडेंस दिखाया है कहीं ना कहीं आइस को लेके। इसकी प्राइस 1-2 रुपए भी आराम से जाएगी। थोड़ा सा बीच में इन्होंने अपने आप को ऐसा कर दिया था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एकदम स्टेबल कर दिया था, अपडेट वगैरह कम दे रहे थे, तो वो थोड़ा सीन जरूर हुआ था। लेकिन आप देख सकते हो प्राइस अच्छा खासा इन्होंने सर्ज किया, सीधा सीधा यहाँ से आप देख सकते हो कि 3-1 की सीरीज से सीधा सीधा 4-6 तक चला गया, और ये इंडियन रुपीज में मैं दिखा रहा हूँ गाइस, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पिछले अगर एक मंथ की बात करें, तो ये 50% का इंक्रीमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये तो गाइस अभी शुरुआत है, अभी कुछ है नहीं, जस्ट ये हाइप है, क्योंकि अभी जो चीजें, जिस चीजों के बारे में बात हो रही है वो इन्होंने की नहीं है। जैसा कि सबसे पहली बात जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने एक पोल वगैरह करवाया था, कुछ चीजें पूछी भी हैं ट्विटर पर अपनी कम्युनिटी से कि भाई लिस्टिंग हम करवाने वाले हैं, कौन से एक्सचेंज पर आप लिस्टिंग वगैरह चाहते हो। तो ऑब्वियसली आपको भी बताया कि जहां जहां पर जो मेन मेन बड़े बड़े एक्सचेंज होंगे, जैसे कि बायबिट, बाइनेंस वगैरह, वहीं पर हर कोई लिस्टिंग चाहता है। तो बाइनेंस, बायबिट पर ये बहुत जल्दी हमें दिखेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ओपन मेनेट के टाइम पर इन्होंने लिस्टिंग्स जो है बचा के रखी हुई है, क्योंकि बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग हाइप क्रिएट करती है, और इनकी ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगी, खुद के जो प्रोजेक्ट है जो इन पर हम जैसे कि माइन करते हैं, जैसे कि सनवेव की बात कर लें, तो उसके उससे भी हमें वैल्यूज मिलना शुरू हो सकती है, ऐसी अनाउंसमेंट भी सामने आ सकती है। साथ ही साथ कुछ और प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं, ये चीज ऑलरेडी टीम कंफर्म कर चुकी है, जैसा कि 3-4 तो आ ही चुके हैं, आपने देखा होगा कॉल फ्लेंट आ चुका है, सनवेव आ चुका है, सोस आ चुका है, यहाँ पर सील सेंड आ चुका है, और भी आएंगे, और उन सब में आइस की बर्निंग भी हो रही है। अब गाइस, इसकी जो मार्केट कैप है ना, उसके बढ़ने का टाइम फाइनली आ चुका है। वो काफी सारे रीजन है उसके कि एक तो ये बड़े बड़े एक्सचेंज पर आएगा, हाइप क्रिएट होगी, साथ ही साथ इसके साथ जो कम्युनिटी है उसका एंगेजमेंट बढ़ने वाला है। बिकॉज अगर आप देखिए सनवेव पर अगर ये कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज देना शुरू करेंगे 1 by 1, तो डेफिनेटली कम्युनिटी जो है वो जुड़ी रहेगी, और यही आइस की विनिंग सिचुएशन रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने पिन करके जो ये ट्वीट रखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आपने वैसे देख ही लिया होगा सारा कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टैप टू अर्न प्रोजेक्ट इनकी टेक्नोलॉजी आई है, बाकी जैसे कि जितने प्रोजेक्ट इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन पर रखे हैं, तो उनको और ज्यादा ये एक्सपेंड करेंगे, दैट मीन्स हमें और ज्यादा काफी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जो फ्री में हम माइनिंग करते हैं और हमारा जो अर्निंग का सिलसिला रहेगा वो जारी रहेगा, आने वाले 1-2 साल, 3 साल तक रहेगा, मतलब अभी जस्ट इतना कह दे वही बहुत है, बट वो चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि क्रिप्टो से एक फ्री में माइनिंग करके अर्निंग वाला जो सिनेरियो है वो बना रहेगा, तो ये आइस का एक बढ़िया यूटिलिटी हो गया, और उसकी वजह से हम थोड़ा सा जुड़े भी रहेंगे कहीं ना कहीं, आप और मैं भी और आइस भी, तो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी लिस्टिंग्स ऑन न्यू मार्केट्स, तो ये भी कह रहा है कि आइस जो है वो लिस्टिंग होने वाली नए मार्केट्स एक्सचेंज पर, जैसा कि इन्होंने पूछा, इनको भी पता है कि भाई बड़े एक्सचेंज पर ही आना है, और डेफिनेटली ओपन मेनेट ही वो सबसे बड़ा एक इवेंट रहने वाला है जहां पर ये बड़े बड़े एक्सचेंज पर आ सकता है, और उस वजह से जो इसकी मार्केट कैप है गाइज वो 5 से 10 गुना बढ़ सकती है। गाइज इतनी बड़ी बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो भी बाय करेगा तो थोड़ा सा भी बाइंग जोन क्रिएट होता है तो इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि आइस के जो होल्डर्स हैं वो अभी भी इस पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। इसमें सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं देखी गई है पिछले काफी लंबे टाइम से, अगर हम देखें 2-3 महीनों से, जबकि ये उस लेवल की कोई बड़ी अपडेट दे नहीं रहा था। बीच बीच में बस इसके प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे थे, जो कि माइनिंग वाले थे, आपने देखा होगा उस हिसाब से। और बाकी जो अपडेट आएंगी, जैसे कि किसी एक्सचेंज पर आएगा, कितने अभी भी हम होल्ड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह, देखिए गाइस जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो थोड़ा बहुत देख सकता है, अगर आपको इस रेंज में दिखता है लाइक 4140 की, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये वापस आ सकता है, आ भी सकता है, आ जाए तो बेस्ट है, फिर तो आप और बाय कर लेना, और मैं भी यही कर रहा हूँ, मैंने हर बार इसको बाय ही किया है, तो मेरा अच्छा खासा अमाउंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इस लेवल पर मैं तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इधर ही बहुत ज्यादा बाय कर लिया था। वापस अगर उधर आता है, उससे नीचे आता है, तो मैं फिर से बाय डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि टाइम ही यही है, कहीं ना कहीं और बाकी का पता नहीं, लेकिन आइस का जो बुल रन है वो काफी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। अक्टूबर इसके लिए बेस्ट होने वाला है, और कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं बिटकॉइन के लिए भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रेडिक्शन लग रही है। तो गाइस इस पर अपनी दोनों आंखें हैं, जो कहते हैं कि आंखें इस पर गड़ाए रखना, तो दोनों गड़ाए रखना, क्योंकि यहां से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। बाकी गाइस ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा पोर्टफोलियो आइस पे शिफ्ट कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि कई लोग ऐसा कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। जितना आपको लगता है कि यार ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्टरी है, वैसे आप कर सकते हो, और बाय करने की वैसे मैं आपको सलाह दे नहीं रहा, पहले ही बहुत दे दी है, हद से ज्यादा दे दी है। आपने देखा होगा मैं टेलीग्राम मेरा जो था वो भरा पड़ा था,
इन्हीं चीजों से। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो हैमस्टर पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उसको आप देख सकते हो, इससे पहले ही बन गई थी रिसेंट। और दूसरी चीज गाइज की थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने रेफरल काउंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी है। और जो हार्ड वर्क थे यानी कि जो चार फैक्टर थे, अपन अर्न टास्क कह लो, पैसिव इनकम कह लो, अचीवमेंट कह लो, इनसे कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिली है। ज्यादा ज्यादा 5 से 6 हजार मिल गया मैक्स टू मैक्स, लेकिन जो हजारों में जैसा कि 70-80 हजार 90 हजार वाले ड्रॉप है वो रेफरल काउंट की वजह से ही मिले, अदरवाइज किसी को नहीं मिले। तो ये था गाइज ऑल अबाउट, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आई है और वीडियो बैक टू बैक चाहिए गाइज तो इस वीडियो को देखिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार इस पर आपको चाहिए वीडियो, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। बाकी गाइज मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।